हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल सोनीज यम फूड कोर्ट में। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये ब्यूटीफुल डॉल केक डेकोरेशन का वीडियो। जो केक बेस केक मैंने बनाया था डॉल केक डेकोरेशन के लिए, उसका वीडियो भी ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और वो वीडियो मैंने इस वीडियो से जस्ट पहले ही अपलोड किया था। तो ये डॉल केक का जो बेस केक है, उसकी जो रेसिपी थी वो नो ओवन एगलेस रेसिपी थी। वो केक मैंने प्रिपेयर किया था एक कुकर में और स्पेशली बनाया था अपनी बेटी के बर्थडे के लिए ये ब्यूटीफुल डॉल केक। और ये बेस केक जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी बना था। तो सबसे पहले जो केक डेकोरेशन के लिए हम तैयारी करेंगे वो है व्हिपिंग क्रीम की। तो यहाँ मैंने क्रीम बेल कंपनी की व्हिपिंग क्रीम यूज़ की है, आप कोई भी कंपनी की यूज़ कर सकते हैं। और दो कप आपको, जो कप मैंने दिखाया था, बस दो कप लेना है, क्योंकि डॉल केक डेकोरेशन के लिए क्रीम थोड़ी ज़्यादा लगती है। यहाँ मैंने एक बाउल को प्लेस किया है एक और बड़े कंटेनर में, जिसमें मैंने आइस कोल्ड वाटर डाला है और कुछ आइस क्यूब्स भी डाले हैं। और अब हम क्रीम को व्हिप करना शुरू करेंगे। मैंने एकदम ठंडा पानी और आइस इसलिए डाली है ताकि व्हिपिंग क्रीम बिल्कुल ठंडी रहे। अभी गर्मियों का टाइम है तो व्हिपिंग क्रीम व्हिप होने के बाद भी बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो व्हिपिंग क्रीम आपकी परफेक्ट व्हिप होती है। तो व्हिप करने में भी काफ़ी टाइम लगता है, ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स लग जाते हैं। तो ये हैंड ब्लेंडर से आप इसे बीट करें तब तक, जब तक कि इसके स्टिफ पीक्स, जिसे कहते हैं हार्ड पीक्स, फॉर्म ना हो जाएं। फिर इसमें मैं ऐड करूंगी कुछ ड्रॉप्स जेल फूड कलर के। यहाँ मैंने रेड जेल फूड कलर यूज़ किया है। कलर ऐड करने के बाद आप इसे एक बार अच्छी तरह से हैंड ब्लेंडर से मिक्स कर लें ताकि कलर पूरे व्हिपिंग क्रीम में अच्छी तरह से इवनली स्प्रेड हो जाए। अब केक जो जिसे हमने पहले से बना कर रखा था वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है, अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आपने केक के ऊपर व्हिपिंग क्रीम अप्लाई करनी है तो केक को बिल्कुल ठंडा करके ही अप्लाई करें, नहीं तो व्हिपिंग क्रीम आपकी मेल्ट हो जाएगी। अब हम इसका टॉप पार्ट थोड़ा सा कट कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से डॉल केक का बेस बन सके। केक प्लेन जितना होगा तो उसका बेस भी थोड़ा अच्छा ही बनेगा, इसलिए मैंने इस थोड़ा टॉप पार्ट कट कर दिया है। अब इस डॉल केक को 3 इक्वल हाफ्स में मैं कट करूँगी। अब केक का जो लोवमस पार्ट है उसमें हम एक होल करेंगे नोजल की मदद से। ये होल करना बहुत ही ज़रूरी होता है डॉल केक के लिए, नहीं तो जब आप डॉल को ऐड करेंगे ना डॉल केक के अंदर तो क्रैक्स आ जाएंगे केक में, तो आपका केक बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें। अब इसी तरह से हम केक के सेंटर वाले पार्ट में भी, जो हमने कट किया था उसमें भी होल कर लेंगे, और जो टॉप मोस्ट पार्ट है उसमें भी। ध्यान रखें कि जो आप होल कर रहे हैं वो बिल्कुल सेंटर में ही करें। इस केक के लिए मैं यूज कर रही हूं ये मिक्स्ड बेरी क्रश, इसे हम बाद में यूज करेंगे। ये बहुत टेस्टी होता है। ये मैं लेयर्स के बीच में जब व्हिपिंग क्रीम अप्लाई करूंगी तो इसे भी ऐड करूंगी, इससे केक बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा, एक अलग लेवल का ही टेस्ट बनता है। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ केक की डेकोरेशन। तो इसके लिए मैंने एक टर्न टेबल के ऊपर थोड़ी व्हिपिंग क्रीम लगाई है, फिर मैं प्लेस करूँगी लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द केक। अगर आप व्हिपिंग क्रीम लगाएंगे तो केक आपका
हिलेगा नहीं, वो फिक्स रहेगा एक जगह पर। अब इसको मैं मॉइश कर रही हूँ केक के पीस को चीनी और पानी के मिक्सचर से। ये अप्लाई करने से आपका केक बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट रहता है। अब इसके ऊपर मैं अप्लाई कर रही हूँ एक स्पैचुला की मदद से व्हिपिंग क्रीम। तो यहाँ मैं एक थिक लेयर अप्लाई करूँगी व्हिपिंग क्रीम का। और फिर इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी मिक्स बेरी क्रश। इस बेरी क्रश में आप देख सकते हैं कि बेरीज के भी छोटे छोटे पीसेस हैं, तो इससे जो फ्लेवर होता है ना केक का, वो भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब जो केक का दूसरा मिडल पार्ट है, उसे मैं नीचे की तरफ से भी मॉइस्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये केक थोड़ा मोटे पीसेस में है। तो आप नीचे की तरफ से भी मॉइस्ट करेंगे तो केक आपका ज़्यादा टाइम तक सॉफ्ट रहेगा। अब इसके ऊपर के पार्ट को भी मैं मॉइस्ट कर रही हूँ पानी से और चीनी के मिक्सचर से। तो आप अच्छी तरह से इसे अप्लाई करें, मगर बहुत ज़्यादा भी पानी ना लगा दें ताकि आपका केक गीला होकर टूट जाए। अब सेकेंड पार्ट में भी पूरी अच्छी तरह से थिक लेयर व्हिपिंग क्रीम का लगा दें, और फिर इसके ऊपर भी पहली लेयर की तरह अप्लाई कर दें मिक्स बेरी क्रश का एक लेयर। और फिर इसके ऊपर हम प्लेस करेंगे सबसे छोटा वाला टॉप मोस्ट पार्ट, इसे भी अंदर की तरफ से थोड़ा सा मॉइस्ट कर लेंगे और फिर इसे प्लेस कर देंगे केक के ऊपर और थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करेंगे। और फिर पूरे केक के ऊपर हम अप्लाई कर देंगे ये व्हिपिंग क्रीम का एक लेयर। बहुत मोटा लेयर भी नहीं करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर हमने फ्लावर्स बनाने हैं, तो एक पतले लेयर से हम पूरे केक को कवर कर देंगे। अगर आप एक स्पैचुला से अच्छी तरह से क्रीम अप्लाई नहीं करते और एक बिगनर हैं, तो आप एक पाइपिंग बैग में भी क्रीम भरकर इसके ऊपर पूरा लेयर अप्लाई कर सकते हैं। अब एक स्क्रैपर की मदद से मैं थोड़ा केक को प्लेन कर रही हूँ। अब यहाँ मैं फ्लावर्स बनाने के लिए यूज कर रही हूँ ये स्टार शेप का नोजल। एक पाइपिंग बैग में मैंने ये नोजल फिट किया है और उसी व्हिपिंग क्रीम से जिसे मैंने व्हिप किया था, उससे मैं रोजेस बना रही हूँ। तो नीचे पूरी एक लाइन हम रोजेस की सर्कल की तरह बना देंगे। अब मैं आपको क्लियरली दिखाती हूँ कि किस तरह से रोज बनाना है। तो आप देखें जिस तरह से मैं इस तरह नोजल घुमाकर बना रही हूँ, बस ये बहुत इजी होता है बनाना। अगर आप बिगनर हैं तो आप एक प्लेट में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं रोज बनाना, और फिर आप जो मेन केक होगा उस पर बनाएं तो आपसे इजीली बन जाएगा। अब ये रोजेस के बीच में जितने भी गैप हैं उसे मैं फिल करूँगी उसी स्टार नोजल से। बस एक छोटे छोटे फ्लावर्स बना दूंगी, जिस तरह से मैं जस्ट प्रेस कर रही हूँ ना, तो इस तरह से करें तो छोटे छोटे फ्लावर्स इजीली बन जाते हैं। तो अब ये डॉल केक की ड्रेस पूरी तरह से कम्प्लीटली बन गई है, और डॉल जिसे मैंने इसमें प्लेस करना है उसे, उसके लोअर पार्ट को मैंने पूरे फॉइल पेपर से कवर कर लिया है। और डॉल को इस तरह से स्लोली केक में डाल देंगे, और फिर इसके ऊपर के पार्ट में भी केक के हम छोटे छोटे फ्लावर्स उसी स्टार नोजल से बना लेंगे और डॉल की ड्रेस भी बना लेंगे। अब ये डॉल का ब्यूटीफुल पिंक गाउन जो कि रोजेस से भरा है वो कंप्लीट हो गया है।
तो इसे हम अभी और थोड़ा ब्यूटिफाई करेंगे। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर बॉल्स। ये थोड़े कलरफुल शुगर बॉल्स हैं मेरे पास, ब्लू, गोल्डन और पिंक कलर के। ये थोड़े मैं स्प्रिंकल कर दूंगी इस गाउन में, तो ये बहुत इजीली स्टिक हो जाते हैं व्हिपिंग क्रीम के ऊपर। अब लास्ट में इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल करूंगी थोड़ा सा सिल्वर कलर का एडिबल ग्लिटर। ये ग्लिटर स्पेशली केक्स के लिए ही यूज़ होता है। तो ये स्प्रिंकल करने के बाद डॉल का गाउन और भी ज़्यादा शाइनी और गॉर्जियस लगने लगा था। अब ये डॉल केक बिल्कुल रेडी है। ये डॉल केक मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद आया और उसके फ्रेंड्स को भी। तो आपको भी ये डॉल केक डेकोरेशन का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जिस दिन मेरी बेटी का बर्थडे होता है उसी दिन उसकी छोटी कज़न सिस्टर का भी बर्थडे होता है, तो उसके लिए भी मैंने ये दूसरा डॉल केक बनाया था। तो इसका जो डेकोरेशन का वीडियो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी क्योंकि उस दिन मेरे पास टाइम बहुत कम था, तो मैंने सिर्फ एक ही वीडियो रिकॉर्ड किया था केक डेकोरेशन का। तो इसकी डेकोरेशन भी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।